सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का आर्क न्यू मेगा मॉडल सीरीज का। सो गाइस, आर्क न्यू मेगा मॉडल सीरीज के पिछले एपिसोड में आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग ने सेलेस्टियल वाला रेक्स पब्लिक डिमांड पे टेम तो करा था, बट गाइस जब सेलेस्टियल वाले रेक्स से ऐसे टाइम पास के लिए मैं बॉस फाइट ले रहा था, तब गाइस जाके बाइनिक गीगा स्पॉन हुआ। अभी मुझे लगा था मैंने बाइनिक गीगा भाई टेम करा है, इसलिए मैं उसको मारने वाला था, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में एक भाई बत्ती चली कि मैंने शायद से इसको टेम नहीं करा होगा, इसलिए मैं बेस पे आके देखा और मुझे पता चला भाई 130 एपिसोड हो गए भाई इस सीरीज के। और जिस डायनो को हम लोग भाई काफ़ी टाइम पहले स्टार्टिंग में टेम करना चाहते थे, उसको अभी तक हम लोग ने टेम ही नहीं करा, ठीक है, और मैं भी उसके बारे में भूल गया था। लेकिन फाइनली आज के इस एपिसोड में हम लोग बाइने गीगा को जाके टेम करने वाले। बहुत ही ज्यादा रेयर डाइनो यार बाइने गीगा, 130 एपिसोड के बाद लगभग 100 या फिर 150 बाइने गीगास को मारने के बाद यहाँ पे गाइस उसका टेमेबल वर्जन हम लोग को मिला है। और गाइस वही टेमेबल वर्जन आज के इस एपिसोड में हम लोग जो है ना गाइस टेम करने वाले गाइस। तो आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले और गाइस बाइने गीगा को टेम करने का कार्यक्रम चालू करने से पहले, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग विद एनी और हमारे व्लॉगिंग चैनल का, सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है गाइस वो भी अनलॉक है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे थैंक्स का बटन है लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। आपका छोटा सा छोटा सपोर्ट भी गाइस हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, तो जरूर से नीचे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश करना मेरे भाई लोग। और गाइस एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर्स बनाने और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ खेलना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको निट्राडो सर्वर का। उस निट्राडो सर्वर के लिंक पे क्लिक करके आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो, तो जरूर से चेकआउट कर लेना निट्राडो सर्वर्स को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों चलते फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे घर पे, और घर से हम लोग निकलेंगे बाइने गीगा को टेम करने के लिए। भाई साहब यार बहुत ही ज्यादा भाई टाइम के बाद हम लोग बाइने गीगा को यहाँ पे टेम कर रहे हैं, ठीक है, देखते चलो बाइने गीगा ना कितना ज्यादा खतरनाक यहाँ पे निकल के आता है। क्या पता बाइने गीगा को भी कुछ नए अपडेट्स आए हो और हमारा बाइने गीगा में भी और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा इस यहाँ पे, क्या बोलती पब्लिक, चलो देख लेते हैं। भाई वो बाइने गीगा का सैडल सैडल है क्या कुछ, बाइने गीगा का सैडल ना यार, वो मेरे को लग रहा है वाइब्रन का सैडल पहनाना पड़ेगा उसको, ठीक है वाइब्रन का सैडल ही बना लेंगे। और मीट बना ले यार मीट, ये वाला मीट बना लेता हूँ ना। अब यार मेजोबेरी कम पड़ रही है, लिख के ले लो मेजोबेरी कम पड़ रही है भाई, भाई बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मेजोबेरी ले बेटे, मुझे लगा ही था गाइस भाई बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जो ना गाइस यहाँ पे मेजोबेरीज की जो कमी है ना गाइस वो खली है, तो चलते फटाफट से और मेजोबेरीज का जो ना गाइस यहाँ पे हम लोग जुगाड़ कर लेते गाइस, ठीक है आ जाओ। किधर है स्टेगो, स्टेगो निकल तो पाएगा ना इस कोपचेवाड़ी से बाहर, ऐसा हाँ निकल तो बाहर है, चलो गाइस चलते हैं फटाफट से ना भर भर के मेजोबेरी लेके आते हैं। मेजोबेरीज 600, और मेरे को बेरीज भी बहुत सारी चाहिए वैसे भी, क्योंकि गाइस हमारे जो भुक्कड़ डायनो है ना पता नहीं भेज के आग उनको इतने ज़्यादा भूख कैसे लग रही है, बट कुछ ज़्यादा ही मात्रा में जो ना गाइस बेरीज खा रहे हैं। मैंने कल लगभग भाई 70-80 हज़ार बेरी डाली थी, आज सारी की सारी बेरीज गायब, एक दिन में 70-80 हज़ार बेरीज चट कर गए गाइस हमारे डायनोज। पता नहीं इसे कौन से डायनो टेम कर रखे जो इतने ज़्यादा बेरीज जो ना गाइस वो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ले लो भाई। अब तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे भाई दबा के बेरी ही बेरी इकट्ठा कर रहे हैं, ये बेरीज इकट्ठा हो रही है कि नहीं भाई ये तो मेरे को भाई देखने तो पहले पता चला बेरी इकट्ठा ही नहीं हो रही है सारी। हाँ हो तो रही है गाइस हो तो रही है, रुको हो रही है आराम से हो रही है, नो प्रॉब्लम, ये सारा का सारा भाई तोड़ने दो मेरे को, ठीक है बहुत सारी बेरीज इकट्ठा करके लेके जाऊंगा। ये स्टेगो है गाइस जो हम लोग को भाई इतनी सारी अभी बेरी दे सकता है, और कोई अपने पास बेरी कलेक्टर डायनो है ही नहीं, तेरी बेरी है लेकिन तेरी उतने ज़्यादा भाई बेरीज बेरीज नहीं देते हैं, ठीक है ये ले भाई काम हो जाएगा ना इतने से शायद से काम हो जाएगा, कुछ दिन तक तो गाइस इतनी बेरी चली जाएगी इसीलिए, ठीक है। अबे यार ये जेम्स बीम्स इकट्ठा, अबे नहीं बफर ओवरफ्लो नहीं होना, हाँ बफर ओवरफ्लो नहीं होना, चलो गाइस चलते घर पे।
ठीक है फटाक से गाइस घर पे चलते, इतने देरी से हम लोग का काम बन जाएगा। ऑलराइट आ जाओ चलो। ये स्टेगो जो है ना गाइस वो रिसोर्स बहुत ज्यादा सॉलिड वाले फार्म करता है, बेरीज भी फार्म करता है, वो रिसोर्स जो है ना गाइस उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से फार्म करता है। ये मेटल क्रिस्टल विस्टल पॉलीमर बिलीमर, क्या हुआ तूफान आ गया, तूफान में गाइस पानी गीगा को टेम करने जाना है, डिफिकल्ट तो है बट कर लेंगे गाइस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। स्क्वायर पे पार करके लग ले, टुक 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 टुक, पर इसका कहीं जगह भाई मेरी ग्रिफिन ने ले ली लग रहा है भाई, रुको गाइस। अच्छा इसको उल्टा ही पार कर लेता हूँ, अभी तो भाई कोई और चारा ही नहीं है, उल्टा ही पार कर देता हूँ चलो ठीक है। और बेरीज मेजो बेरी छोड़ के भाई बाकी की बेरी दे दे मेरे को, ये वाली बेरी टिंटो बिंटो शिंटो शिंटो ठीक है। ये वाली बेरी जो है ना गाइस मैं अपन यहाँ पे फीडर में डाल के रख देते हैं ताकि हमारे डायनो जो है ना गाइस वो खा सके बेरीज, ठीक है। काफ़ी कम बेरी बची हुई है यहाँ पे, ले लो भाई खा लो बुक्कड़ लोग। गामा चार कर लेता हूँ, तूफान आ चुका है ना गाइस इसलिए। और जाके अभी फटाक से ना मीट बना लेते हैं हम लोग, जिस मीट से हम लोग जाके ना भाई बानी गीगा को डेम करेंगे। ओके यहाँ पे ये बन गया गाइस मीट, ठीक है एक मिनट से तो इजीली टेम हो जाएगा। उसको बेहोश करने के लिए रुको पहले तो ये यहाँ पे डाल दो, इसकी ज़रूरत नहीं है ठीक है। ये लो यहाँ पे और इस्टेंस का आप कितने अपने पास इस्टेंस भाई, यही पड़ा हुआ है क्रिस्टल में, क्रिस्टल कितने क्रिस्टल सारे इधर डालने दो ठीक है। ऑलराइट आ जाओ, और जो टेमेबल वाले बॉस है गाइस वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके चलो लेट्स गो गाइस, पानी गीगा को टेम करने के लिए अभी हम लोग हमारी प्रिंसेस के ऊपर बैठ के जा रहे हैं ठीक है। इस वाली सीरीज में जो ना गाइस मैंने ज़्यादातर करके इस प्रिंसेस को ही चलाया होगा भाई, काफ़ी ओपी है भाई हमारी प्रिंसेस। बॉस फाइट वाले टर्मिनल पे चला जाऊँगा तो उसके आजू बाजू मुझे वो गीगा मिल ही जाएगा वैसे भी, और उसको भाई ओरिजिन वाले आरो मार के भाई बेहोश करता हूँ भाई। इतने टाइम बाद मिला है, मैं नहीं चाहता कि जेलीफिश का भाई एक्स्ट्रा अटैक उसको लगे और वो ठिल जाए भैंस क्या कहा पे अभी। हाँ ये रहा, हाँ मेरी जान कैसा है मेरे भाई, 99 मिलियन है, 99 मिलियन है, वेरी स्मार्ट ब्रो, स्पीड तो है भाई, स्पीड तो है भाई सर जी, गीगा की स्पीड तो है, गीगा के पास स्पीड तो है, गीगा के पास स्पीड तो है सॉलिड वाली भाई, क्या दौड़ रहा है। हाँ हो गया काम 25 भाई, आ जाओ इधर आ भाई, भाई तूफान देख रहे हो डेजर्ट में कैसे आ चुका है भाई एकदम खतरनाक वाला, लेकिन कोई ना गाइस चलो आ जाओ। हम लोग ने भाई गीगा को कर लिया डैम भाई, इतने ज़्यादा जो रहेगा इस टाइप के बाद भाई 900 लेवल का गाइस, ठीक है 900 लेवल का। अबे क्या हो गया कंट्रोल अटक गया, रुको अबे पीछे क्यों जा रहा है, हाँ हो गया। देखना गाइस तूफान देखना, तूफान देखना, डेजर्ट में ऐसे होता है क्या, सैंडस्टॉर्म है भाई सैंडस्टॉर्म भाई, देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है भाई डेजर्ट में, हर तरफ बस धूल मिट्टी भाई उड़े जा रही है गाइस, काफ़ी खतरनाक भाई। अरे रुको रुको भाई, तो भाई तूफान में चलाएंगे अपने गीगा को, डरते क्या, रुको रुको भाई तूफान में गीगा को चलाएंगे, गीगा को पहले यहाँ पे बाहर निकालने दो, उसके ऊपर गाइस हमको लगाने दो गाइस हमारा प्यारा प्यारा सा वाइब्रेंट का सैडल जो मैं खास उसके लिए लेके आया हूँ। ओके एंड ये वाइब्रेंट का सैडल पुराना वाला है, मैंने नया वाला जो बनाया था वो लग रहा है गाइस मैंने स्मिधी में रख दिया, इसके पैरों का आवाज काफ़ी ज़्यादा लाउड है इसलिए गाइस थोड़ा गेम का आवाज कम कर लेते। और गामा जो ना गाइस मैक्स कर लेता हूँ भाई, दिखाई कुछ नहीं दे रहा भाई, आ जाओ चलो भाई। इसकी स्पीड अभी स्लो क्यों हो गई, मेरा पीछा कर रहा था तो भाई 400 किलोमीटर की स्पीड से कर रहा था, अभी 4 किलोमीटर की हो गई इसकी स्पीड है। डैमेज कितना है, 34,000 डैमेज तो ठीक ठाक ही है। एक काम कर लेता हूँ मैं इसको ना लेवल अप मार देता हूँ ठीक है, रुको इसको लेवल अप मार देता हूँ, क्या पता लेवल अप के बाद जो ना कि सर्जी का डैमेज जो ना एकदम तगड़ा वाला हो जाएगा इस, ठीक है क्या बोलते हो भाई। इसका 1 बिलियन हेल्थ होगा इस ईजिली चला जाएगा, 1 बिलियन प्लस गाइस भाई 2 बिलियन तक इसका हेल्थ जाने वाला है। बाकी बचे हुए सारे पॉइंट में डैमेज में डाल रहा हूँ ताकि हमारा ये गीगा ना बायनिक वाला गीगा जो कि हमको भाई 130 से भी ज़्यादा एपिसोड के बाद मिला है वो थोड़ा सा पावरफुल बन सके ठीक है। और इसको मैं इम्प्रिंटिंग वाला जो पोशन है वो भी खिला देता हूँ। ऑलराइट एंड 1.8 बिलियन गाइस इसकी हेल्थ है भाई, लिख के ले लो भाई, चिल्ला क्यों रहा है। ये देखना गाइस हमारा बायनिक वाला गीगा गाइस ठीक है। ओ भाई साहब भाई तूफान में तो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है बाइनिक वाला गीगा वाला, तूफान वैसे चला जाएगा थोड़े टाइम में, टेंशन नहीं लेना गाइस थोड़े टाइम में चला जाएगा तूफान। एक काम करूँगा तूफान जाने का इंतजार करूँगा यहाँ पे डेजर्ट में बैठ गए, चलो थोड़ा सा तूफान जो ना गाइस 17 बिलियन हेल्थ है इसकी, अब मुझे लगा था भाई यहाँ पे 1.7 बिलियन हेल्थ होगी बट इसकी हेल्थ तो 17 बिलियन है गाइस,
हिलते तो सॉलिड है, बाइक का डैमेज कितना है? रुको गाइस, तूफान थोड़ा सा कम होने तो उसके बाद आपको इस गीगा का डैमेज भी दिखा देता हूँ भाई। ये गीगा तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है मेरे को भाई साहब। A few moments later, तूफान गाइस यहाँ पे जा चुका है और हर तरफ अभी सन्नाटा छाया हुआ है और अभी हम लोग हमारे इस बहन गीगा से आराम से तबाही मचा सकते हैं। तो गाइस आप लोगों ने इसकी हेल्थ जो है गाइस वो तो देख ही रहे होंगे कि कितनी ज्यादा है गाइस, नॉर्मल डायनो से तो बहुत ही ज्यादा है। बाकी इसके भी हम अटैक देखने वाले। तो गाइस ये बाइनी की गागा पहले लुक देख लेना, फुल टू जन है गाइस। यहाँ पे मेटल की बॉडी, मेटल नहीं सॉरी, मेटल तो भाई नॉर्मल होता है भाई, टाइटेनियम की बॉडी इसकी बनी हुई है गाइस। एंड उसके बाद गाइस कलर कॉम्बिनेशन भी इसका काफी बढ़िया। अटैक की बात करें तो इसके पास वाइट अटैक है, बस काम का इसे चिल्लाने वाला अटैक है भाई। सी पे सीपेक्स में कंट्रोल पे कोई भी अटैक नहीं है, मतलब बस खाली ये जो ना गाइस यहाँ पे एक ही अटैक कर सकता है, वो है गाइस बाइट वाला अटैक। अभी देख लेते हैं गाइस कि हमारे बाइनी गीगा का यहाँ पे टोटल डैमेज जो ना गाइस वो कितना जाता है उस बाइट वाले अटैक से भाई। ठीक है, कितना जाएगा भाई बाइट वाले अटैक से डैमेज भाई तेरा? मैग्मसूर को तो 21 मिलियन दिया, मतलब नॉर्मल डाइनस को ये लगभग 50 या 60 मिलियन तो दे ही देगा है। अच्छा इसका डैमेज भाई कम ज्यादा नहीं होता क्या? 21 मिलियन ही है। अरे यार हेल्थ तो भाई इसकी काफी ज्यादा सॉलिड वाली थी, बट गाइस यहाँ पे इसका जो डैमेज है ना गाइस वो उतना ज्यादा सॉलिड वाला नहीं निकला गाइस जितना मैंने सोचा था। रुको, डिमोनिक हाइट भी इकट्ठा करने दो क्योंकि इसकी जरूरत ना हमको सैडल बनाने में पड़ती रहती है गाइस। ये पानी की गाइस जो ना गाइस ये मैंने सोचा था काफी ज्यादा ओपी है, हाँ दिखने में काफी ओपी, हेल्थ भी काफी ओपी है, बट इसका डैमेज बस 21 मिलियन है जो कि मेरे हिसाब से गाइस काफी कम डैमेज है गाइस यहाँ पे। और गाइस अभी हम लोग ना क्या करेंगे बताए, बाइनी गीगा वर्सेस बाइनी गीगा कर लेते हैं गाइस। रुको रुको गाइस रुको, अब भी डी करके देता हूँ गाइस, अब भी डी करके देता हूँ मैं ना अभी बाइनी गीगा वर्सेस बाइनी गीगा करता हूँ और देखता हूँ बॉस वाला बाइनी गीगा वर्सेस गाइस मेरा वाला जो बाइनी गीगा है ना गाइस उन दोनों में जीतता कौन है गाइस। ठीक है, आ जाओ चलो आ जाओ आ जाओ। पहले तो भाई नॉर्मल मोड वाला बाइनी गीगा वर्सेस बाइनी गीगा, उसके बाद हार्ड मोड वाला भाई। ठीक है, देखते हैं हार्ड मोड वाले को अपन लोग मार पाते कि नहीं। बाकी तो इस वाले की गाइस हेल्थ ना मेरे से काफी ज्यादा ही होगी, बट फिर भी अल्ट्रा मा बेस्ट कि मैं इस वाले बाइनी गीगा को अपने टेबेबल वाले बाइनी गीगा से यहाँ पे पेल डालो भाई। ठीक है भाई, बाइनी गीगा वर्सेस बॉस वर्जन बाइनी गीगा नॉर्मल मोड। इसके बाद नॉर्मल मोड को मारने के बाद अपन लोग हार्ड मोड वाला जो बाइनी गीगा है उसको इसके अगेंस्ट जो ना गाइस उतारने वाले भाई। चिल्ला भाई, शेर है शेर, रोर कर रोर, लेट्स गो, आंदे 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 बेस गैग। देख ये इम्प्रिंट करा क्या? अच्छा इम्प्रिंट करा है, उसके बाद भी इतना कम डैमेज जा रहा है इसका। ठीक है, आ गया आ गया आ गया, हाँ भाई बम दे रहा है। ये ले बेस गैग, डरते क्या इधर से? अभी मर गया ये, व्हाट द हेल है भाई तेरे भाई जैसा कोई हार्डिच नहीं है भाई। बॉस वर्जन वाले बाइनी गीगा को तो भाई 4-5 मटकों में मार दिया मेरे इस गीगा ने। ये दम तो है यार गाइस, दम तो है गाइस मेरे गीगा में भाई, दम तो है भाई। भाई क्या पेला है भाई इसने, क्या पेला है बेस गया, मजा आ गया। रुको एक काम कर लो भाई, अभी हार्ड मोड वाला थोड़ा बाइनी गीगा में यहाँ पे बुला लेता हूँ, आर्टिफैक्ट पहले यहाँ पे डाल दूँ। आर्टिफैक्ट बहुत सारे मिल गए वापस से, वो सारे यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड अभी हार्ड मोड वाले बाइनी गीगा को जरा बुला ना, ये रहा गाइस हार्ड मोड है लिखा हुआ है आगे गाइस, देखो हार्ड मोड करके, देखो हार्ड मोड वाला बाइनी गीगा साफ भाई। देखो एनाकोंडा कुछ ज्यादा ही लाड़ में आ रहा है, ये एनाकोंडा का जो ना गाइस गेम बजा डालता हूँ। रुको बक्साड़ा, ठीक है गाइस रुको, देखते हैं गाइस की बाइनी गीगा जो है ना गाइस वो अभी भाई हार्ड मोड वाले बाइनी गीगा को जो है ना गाइस यहाँ पे कैसे मार पाता है और उसके सामने टिक पाता है कि इसे मेरे बिलियन मेल दे और जो बॉस आएगा उसकी शायद से मिलियन मेल दोगी भाई। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं स्पाई ग्लास चालू करके कि हार्ड मोड वाला जो बाइनी गीगा है वो हमारे टेमेबल वर्जन के सामने यहाँ पे टिक पाता है कि नहीं। आ जा भाई जल्दी, अरे जल्दी कर भाई, कल सुबह पनवेल निकलना है मेरे को। आ गया, ठीक है 200 मिलियन मिलते हैं और मेरा बस 2 मिलियन का। अरे भाई इसकी आ गया भाई, मेरा बस गाइस यहाँ पे 2 मिलियन का डैमेज इस बाइनी गीगा के ऊपर जा रहा है, मतलब ये हार्ड मोड वाला बाइनी गीगा जो है गाइस वो सच में काफी ज्यादा ओपी है। बट मैं भाई विदाउट एक भी बार हीलिंग पोशन गाइस, हाँ भाई विदाउट एक भी बार हीलिंग पोशन खाए यहाँ पे इस वाले बाइनी गीगा की बैंड बजा के आपको दिखाऊंगा गाइस। अगर मैंने इसे करा तो आप लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। विदाउट एक भी बार हीलिंग पोशन खा के मैंने करा तो मेरे पास 22 हीलिंग पोशन पड़े यहाँ पे देख लो गाइस, 22 हीलिंग पोशन पड़े और विदाउट एक भी हीलिंग पोशन खाए हैं मैं इस बाइनी गीगा की, अपने बाइनी गीगा से जो ना गाइस बैंड बजाने वाला हूँ। आ जा बेटा इधर आ जा, आ जा बेस की आग भाई, तेरे बैंड बजा के रख दूंगा भाई।
पैर बजा के रख दूंगा भाई। बच्चा मर जाने बच्चा भाई, ठीक है भले भाई कितना भी टाइम लगे, बट इस बैंड की का कि बैंड तो मैं ही बचाऊंगा। देखना गाइस किसी आग वाला बम दे रहा है गाइस, देखो ड्यूडॉन को भी वहां पे आग लग चुकी है साइड में, और इसने मेरे को भी आग लगा रखी है गाइस इस वाले बैंड की गाने। थोड़ा सा भाई पावरफुल तो है ये बैंड की, और यहाँ पे ना देखो इसका मेटल क्रैक होना चालू हो चुका है, मेटल में से खून निकल रहा है जिसके मेटल नहीं भाई टाइटेनियम में से खून निकल रहा है भाई, ठीक है देख ही सकते हो आप। इसका जो हेल्थ है ना गाइस मैंने मार मार के काफी ज्यादा डाउन कर दिया ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी इसने मेरा कितना हेल्थ डाउन करा ये मेरे को पता नहीं भाई, ठीक है ये ले भाई तू मरेगा बेटा, तू तो मरेगा भाई, तू तो मेरे हाथों ही मरेगा। इसका भाई तीन जोड़ा कैसे भर चुका है कैसे यहाँ पे भाई, बायनिक गीगा वर्सेस बायनिक बॉस गीगा में अपना वाला गीगा जो ना कैसे यहाँ पे जीतने वाला है ठीक है, क्योंकि अपने गीगा की हेल्थ काफी दगड़ी वाली है और मेरे पास बस बाइट अटैक है। काश मेरे पास और कोई अटैक होता यार तो और गंदी तरीके से मारता कैसे मैं इन बायनिक गीगा को, ठीक है मरने वाला कैसे मरने वाला। ये ले भाई दूसरे भाई नॉकबैक दे रहा है, व्हाट द हेल मैं नॉकबैक दे रहा हूँ क्या, ये नॉकबैक दे रहा है पीछे खेल रहा है कैसे गीगा को, देखना ये देखो कंटिन्यू से अगर अटैक करते रहे तो अरे मर गया भाई बाड़ी की का, रे रोड कर जे बात मेरे भाई जेर जेर। और हीलिंग पोशन 22 के 22 है, एक भी यूज नहीं करा मैंने, आप देख ही सकते हो। हेल्थ की बात करें हैं अब इसकी हेल्थ डाउन नहीं हुई, 17.6 बिलियन हेल्थ थी और अभी तक 17.6 बिलियन ही हेल्थ है, वाह गाइस ये तो काफी खतरनाक है यार, हैं भाई ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इतनी सी बेल लड़ाऊ नहीं हुई भाई। बाकी तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मिथिकल वाले बॉसेस को भी बुला लूं यार, डरते क्या भाई मिथिकल बॉसेस से, रुको भाई अभी इसको भाई यहाँ पे भाई टेम कर रहा है तो थोड़े मिथिकल बॉसेस से भी बुला लेते हैं भाई, पांचों को एक साथ मारूंगा भाई, डरते क्या। और भाई उसमें भी हीलिंग पोशन यूज नहीं करूंगा, चलो भाई चैलेंज मेरे लिए भाई, चैलेंज विदाउट हीलिंग पोशन गाइस यहाँ पे करें अब लोग बॉस फाइट करेंगे। आर्थोपोडियो आया भाई, आर्मर तोड़ने आया था डायनो ब्लड चाहिए भाई, रुक जाओ भाई डायनो ब्लड की बात कर रहा है तू, ये ले डायनो ब्लड भाई इसके, कहाँ भाई सारे बॉसेज गाइस यहाँ पे बन रहे, आने तो एक एक करके सारे बॉसेज की बैठ दे रहे भाई, का भाई नहीं गीगा ही बजाएगा। बाकी मेरे को बता नहीं भाई मिथिकल वाले भाई बॉसेज के ऊपर मेरा डैमेज कितना पड़ेगा गाइस, ठीक है ओके आन दो भाई डरते क्या मिथिकल बॉसेस से, वाइवरन आते ही ना कैसे यहाँ पे उंगली करना चालू कर देता है। मैमथ भी मत देखो कितने अच्छे है भाई, चलो अभी से मारना चालू करता हूँ, मुझे लग रहा है डैमेज कम पड़ेगा मेरा। हाँ भाई अभी से मारना चालू कैसे, आ जाओ विदाउट हीलिंग पोशन ना गाइस, विदाउट हीलिंग पोशन भी है हम लोग कैसे यहाँ पे बैंड बजा के रख देंगे इन मिथिकल वाले बॉसेस की, ठीक है 5 मिथिकल वाले बॉस वर्सेस मेरा अकेला बाइनी की का। आन दो मैं पीछे ढकेल रहा है भाई, भाई धक्का मार के पीछे ढकेल रहा बेस की आग दे रहे तो बेच गया भाई, ज्यादा ही लाड़ में आ रहे हो क्या रे, ज्यादा लाड़ में आ रहे हो, डरते है क्या तुमसे भाई, रुको भाई बैंड बजा दूंगा भाई इन भाई मिथिकल वाले बॉसेस की, पता नहीं भाई मेरा डैमेज कितना पड़ रहा है इन लोग के ऊपर और इन लोग की हेल्थ भाई डाउन हो पा रही कि नहीं ये भी मेरे को पता नहीं। मेरे पास सीलिंग क्वेश्चन कितने 22 के 22 सीलिंग क्वेश्चन है भाई, ठीक है अभी तक 22 सीलिंग क्वेश्चन है, वो ये थोड़ा थोड़ा ब्लडी तो हो चुका है भाई, ये भाई वो मैमथ को भी भाई थोड़ा कोपचे में ले ले भाई, उतनी दूर में उसको डैमेज दे पा रहा हूँ कि नहीं मेरे को पता नहीं यार। टेरानोवा वो तो दे रहा हूँ और इस गोरिल्ला भाई गोरिल्ला की तो हवा टाइट है भाई, भाई किसी भी वक्त भाई गोरिल्ला भाई टिल सकता है गाइस, देखना किसी भी वक्त टिल सकता है भाई, किसी भी वक्त भाई मरा समझ लो भाई, मरने में जमा है ले बेटा भाई दबा दे रहे बाइट अटैक देते रहे, देखो ये पूरा भाई ब्लीडी हो चुका है, ये पूरा ब्लीडी। अरे बाप रे भाई डैमेज देख रहे हो क्या दे रहा हूँ भाई, डैमेज तो सॉलिड वाला दे रहा हूँ इन लोग को मैं भाई। टेरानो आ गया गाइज ठीक है टेरानो की बैंड बचा दूंगा मैं, रुको गाइज ये मरा गोरिल्ला भाई, ये मरा गोरिल्ला देखना अभी गोरिल्ला की बैंड बजने वाली है, बस खत्म है गोरिल्ला भाई, ये गोरिल्ला भी मरा टेरानो भी, मैमथ अकेला जिंदा है पीछे से, ठीक है मैमथ थोड़ा टिकेगा बाकी सब मरेंगे। राइनो मर गया नहीं मरा भाई, ये पहले बंदर मरेगा उसके बाद वाइवरन मरेगा भाई, टेरानोवा मरने वाला है क्या भाई, कोई तो ढीलने वाला है भाई, भाई गया टेरानोवा गया भाई, बंदर गया पहले बंदर के बाद भाई टेरानोवा के बाद राइनो या वाइवरन कौन जाएगा गाइस, क्या लगता है कौन जाएगा भाई, राइनो तो भाई वाइवरन चला गया, राइनो भाग ही गया रुक बेच गया भागता है अपने मुहाब से भागता है। ये ले बेटा
भाई रायनू भाग रहा था भाई, बोल रहा है नहीं यार मेरे को फाइट नहीं कर रहा, तुम बहुत गंदा मारते हो। ले रायनू को भी भाई मार दिया मैंने। अभी कहीं जहाँ पे अकेला मेहमत बचाओ भाई, ये मेहमत की हेल्थ ना बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि मेहमत ना पीछे पीछे से सुमड़ी से मार रहा था, ठीक है, अल्लू अल्लू करके। ये आगे नहीं आ रहा था, थोड़ा सा भाई कुब्जे में रह रहा था गाइस। ठीक है, चलो मेहमत को भी पेल डालते फटाक से। A few moments later. अरे यार ये वाला बॉस आ गया क्या वापस से भाई? यहाँ पे क्या हो गया था बताए गाइस? थोड़ा सा जो ना गाइस कॉल शॉल आ गया था मेरे को, एंड उसमें जो ना गाइस मैं मेहमत को आराम से मार रहा था, बट मेहमत जो ना गाइस वो यहाँ पे भाई वो हो गया, डिस्पॉन ही हो गया मेरे से, ठीक है, और उसको मैं मार नहीं पाया। और आपको बताया गया मेहमत को मारना जरूरी है अगर हम लोग को इसेन चाहिए तो। तो मैं वापस से मेहमत को जो ना कहीं यहाँ पे अभी बिला के उसको मार देता भाई, ठीक है। वो कॉल के चक्कर में ना थोड़ा सा हमारा मेहमत बॉस जो ना कहीं वो स्वाहा हो गया। और गाइस मैंने बोला था भाई सारे मिथिकल बॉस को मैं अपने गीगा से पेलूंगा, मतलब पेलूंगा सबको, तो पेल चुका हूं, बस एक दो और बचे हुए उनको भाई अभी पेल देता भाई, ठीक है, आने दो। एक दो नहीं, बस एक मेहमत बचा हुआ है, बाकी तो सबकी बैंड तुम्हारे भाई ने इजीली बजा डाले रे। बच्चे थे भाई बच्चे सारे बॉसेस, अपने सामने जो ना गाइस खास कुछ कर ही नहीं पाए भाई, टिक ही नहीं पाए। देखो इनके क्रिस्टल भी मिल चुके हैं, गीगा का, वायवरन का, उसके बाद रायनो का भी क्रिस्टल है, और कौन कौन से क्रिस्टल मिले हैं, ये पीटी का क्रिस्टल है, और ये भाई हमारा बिग वुड का क्रिस्टल। अभी मेरे को मेहमत के क्रिस्टल चाहिए, और इन्हीं क्रिस्टल से आपको बताइए गाइस हम लोग जो ना गाइस यहाँ पे बनाते गाइस बॉस मॉर्निंग रेजिमेंट, ठीक है, और बॉस मॉर्निंग रेजिमेंट के लिए ये क्रिस्टल की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी गाइस गीगा ना ठीक है भाई, 21 मिलियन डैमेज जा रहा है उसका, लेकिन उतना भी बुरा नहीं है गाइस, मिथिकल बॉसेस को मार पा रहा है, और ओरिजिन तो इसके सामने बच्चे ही। आपको बताया यार 21 मिलियन भाई डैमेज से ओरिजिन को इजीली मार सकता है, अगर ये मिथिकल को मार रहा है तो ओरिजिन बॉसेस को आराम से मार सकता है गाइस, ये तो आप सबको पता ही है। तो गाइस बताओ आपको हमारा मिथिकल गीगा कैसे लगा? बाकी गाइस काफी ज्यादा एपिसोड बाद गाइस मिला है, इसलिए मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ कि एटलीस्ट हम लोग को गाइस मिथिकल गीगा मिला, भले इसका डैमेज उतना ज्यादा ना हो, और मैंने अभी तक ना हीलिंग पोशन नहीं पिया है गाइस, ठीक है। मैंने इतनी सारी बॉस फाइट ली, वो कॉल पे बोलते बोलते मैंने मेहमत को भी मारा गाइस लगभग भाई 5-10 मिनट, बट अभी तक मैंने जो ना गाइस यहाँ पे हीलिंग पोशन नहीं पिया है। देखते चलो गाइस कि यहाँ पे हीलिंग पोशन पीने के बाद जो मतलब बॉस फाइट ये खत्म होने के बाद अपने गीगा की जो हेल्थ होती है ना गाइस वो कितनी होती है, कितनी डाउन करी है सारे बॉसेस में मिलके भाई, ठीक है। 22 का 22 है ना, ना एक पिया था लग रहा है बीच मेरे, 21 हो गया, नहीं, वो काफी पहले पिया था भाई, काफी पहले पिया था गाइस, ठीक है, 21 है ये। इन लोग ने भाई मेरी हेल्थ तो डाउन करी है गाइस, ठीक है, हेल्थ तो डाउन करी है, ऐसा नहीं कि हेल्थ डाउन नहीं करी है भाई। 105 मिलियन बचा हुआ है भाई, बस यहाँ पे ये मेहमत और ये अभी भाई मरने वाला है। एक बार में कितना डैमेज दे रहा हूँ मैं मेहमत को? 2 मिलियन, 2.6 मिलियन का डैमेज दे रहा हूँ, और ये मेरे को 400,000 का डैमेज दे रहा है भाई, ठीक है। चलो भाई इसकी भी बैंड बचने वाली है ऑलमोस्ट भाई, खत्म, टाटा भाई गुड बाय हो गया गाइस मेहमत के साथ भी। मेहमत देख रहे हो गाइस कैसे मुंडी घुमा के मार रहा है, बट भाई कुछ नहीं कर पाएगा भाई तू, ठीक है भाई। 40 मिलियन हेल्थ बची है गाइस खाली भाई, 30 मिलियन हेल्थ बची है खाली बस, ये लो भाई 25 मिलियन गाइस, ये लो गाइस मरने वाला है भाई, मरने वाला है, मरा गाइस मरा। 14 मिलियन, 10 मिलियन, 9, और ये 3, 2, 1 खत्म भाई। चलो ओ मैन बेड़े डरते है क्या? मैंडिकोर को भी पेलेंगे, मैंडिकोर बेटा खिलाना क्या, ठीक है। अरे बाप रे, अबे बम चिकी चिकी बम बम बोल रहा है भाई मैंडिकोर, अरे डरते क्या मैंडिकोर तेरे से, अतर से डरते क्या, फ्लावर समझाएगा हमको, फायर है अपन, इधर है बेटा चीतांगड़ी भाई। 165 मिलियन हेल्थ है, इसके ऊपर डैमेज मेरा काफी कम पड़ रहा है यार, इसका आर्मर जो है ना गाइस वो भाई मिथिकल वाले बॉसेस से ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए गाइस इसके ऊपर मेरा काफी कम डैमेज पड़ रहा है। 150 मिलियन भाई, 20% हेल्थ जो है ना गाइस वो डाउन हो चुकी है गाइस इस बार मैंटिकोर की, और इस मैंटिकोर की बैट तो मैं बचाऊंगा विदाउट हीलिंग पोशन भी है भाई। मरना जाए मेरा गीगा, नहीं मरेगा, डरना बिल्कुल नहीं भाई, गीगा मरेगा नहीं, गीगा मारेगा भाई, गीगा मारेगा इस मैंटिकोर बॉस को भाई, गीगा इस मैंटिकोर बॉस की बैंड बजाएगा। इसके मिनियन देखना भाई, इसका ना टाइम बॉम्ब की तरह भाई, चलते फिरते बॉम्ब है, सुसाइड बॉम्बर है, नजदीक आके ना फट जाते हैं डायरेक्टली गाइज, ठीक है। ये ले भाई, ये ले, कितना हेल्थ गया गाइस इसका? 50% तो डाउन कराई होगा मैंने अभी तक भाई, इसका हेल्थ 50% तो डाउन ही होगा। हाँ भाई 105 मिलियन बचा है भाई, 50% लगभग भाई डाउन कर ही लिया गाइस, समझ लो भाई मैंने इसका हेल्थ। ये ले बेटा भाई 96, 95, 94, अच्छा मतलब मुझे भाई 100 भाई बाइट अटैक इसको देने, उसके बाद गाइस इसकी बैंड बच जाएगी। हाँ जब 100 बाइट अटैक देता देर को, आजा बेच के अकेले। ये ले भाई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाई, ठीक है, आ जाओ भाई, हल्लो हल्लो करके इसको मार रहे हैं, हल्लो हल्लो करके। देखना भाई लग तो भाई खतरनाक रहा है, काश इसका टेमेबल वाला वर्जन होता यार, ये वाला टेमेबल वर्जन में मिलता नहीं है ना, अवेलेबल नहीं है। टेमेबल वर्जन होता ना तो एकदम मजा ही आ जाता, बट नहीं है टेमेबल वर्जन। क्या ही बोले, उसके मिनियन देखना कितने पीछे रह चुके हैं,
भाई काफी स्लो है यार इसके अर्जेंट डिविजन, ठीक है। और ये आग भी लगा रहा है साथ में, कहीं साथ में आग भी लगा रहा है, देखो देखो साथ में आग भी लगा रहा है। बट टेंशन नहीं लेने का, इसकी बैंड बजा दूंगा मैं, इसकी बैंड बजा दूंगा। कितनी हेल्थ बची है? 25% भाई, 30 मिलियन बची है भाई, 30 मिलियन बची है। मरा भाई ये 10% भाई इसकी हेल्थ बची है खाली भाई, 30 और बाइट अटैक भाई 20 मिलियन भाई, 20 मिलियन भाई ओनली भाई, 15 मिलियन भाई, 13 मिलियन गाइज भाई, टिल गया गाइज समझ लो, मरने वाला गाइज। मैंटिकोर बॉसेस के मिनियन मेरे नजदीक भी नहीं आ पाए, देखना अभी तक आने की कोशिश कर रहे लेकिन पहुंच ना पाएंगे, टाइम रहते भाई खत्म, बाय बाय ब्रो, बड़ा कल आना कल, ठीक है कल आना भाई। लाड में आ रहा था बेस गया बॉस का बच्चा, और कोई बॉस फोन हुआ है वहाँ बेच गया, कुछ की भी बैंड बजाता हूँ मेरे भाई बायनी गीगा से। हमारे बायनी गीगा को कम समझ रहे हैं भाई, हमारा बायनी गीगा किसी से कम है क्या गाइस? देखा गाइस मैंटिक और बॉस की भी बैंड बजा के रख दिया हम लोग ने। हे गाइस बायनी गीगा है तो भाई खतरनाक है, ये तो खतरनाक। बाकी हेल्थ कितनी डाउन हुई गाइस? मेरी हेल्थ बस इतनी सी डाउन करी है भाई इन्होंने, भाई 17.6 बिलियन हेल्थ थी और अभी मेरी 17.1 बिलियन हेल्थ है भाई, ठीक है। मतलब बस जरा सी हेल्थ गाइस इन लोग ने डाउन करी है, 5% भी नहीं 2-3% हेल्थ डाउन करी है भाई, सही है चलो सही है। बताओ गाइस आपको हमारा ये बायनिक वाला जो गीगा है ना खतरनाक सा, वो कैसे लगा? अगर ये बायनिक गीगा और आज की बॉस फाइट जो हुई वो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना गाइस, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.